क्या या करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने वो कंटेंट बनाया था वुमेन राइट्स के हवाले से और मेन राइट्स के हवाले से, पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि अभी दोस्तों हम यहाँ पे एक मॉडाइक वॉक पे आए हैं। सो जाओ भाई, इतना मन कर रहा है यहाँ पे। और ये बाइक भाई कुत्ते के ऊपर मत कर, और ये बड़ा प्यारा कुत्ता ये। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ये एक जगह है शेंडन बेल्सर टावर करके, यहाँ पे लोग घंटा बजाने के लिए आते हैं। माना जाता है कि जो यहाँ पे घंटा बजाता है उसकी लाइफ में हमेशा के लिए घंटे बजते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे हेडफोन दिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम घंटा बजाओगे वहाँ पे तो आपके कान में हो सकता है कुछ इफेक्ट हो जाए। और ये मेरी दोस्त आई हुई है मेरे साथ, गिट्ठी लड़की, तो मैंने उनको बताया था पिछली वीडियो में, इसने खुद ही कहा था वैसे कि लेस्बियन है, प्राइड मंथ चल रहा है तो यहाँ पे कोई यार लेस्बियन घूम रही हैं। और इसकी जो दूसरी लेस्बियन पार्टनर है उससे भी हम मिलने जाएंगे, अभी वो भी काम करने आती है, वो पार्ट टाइम जॉब करती है, तो उसकी दुकान पे जाके हम उसके मज़े लेंगे थोड़े। यहाँ पे शायद दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि बहुत छोटा सा स्पेस है यहाँ पे, मतलब मुझे भी अपने आप को थोड़ा कॉम्पैक्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे एंटर करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों 250 सीढ़ियाँ चढ़ के हम यहाँ टॉप पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। माना जाता है कि कॉर्क सिटी का बेस्ट व्यू यहीं से ही आता है और ये 360 डिग्री व्यू है, ये मतलब पूरी सिटी दिखती है यहाँ से। दोस्तों ये व्यू देखकर मेरा मन कर रहा है कि इस लड़की को यहाँ से नीचे फेंक दूँ, इसी बहाने धरती का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। मेरा बोझ तेरे से ज्यादा है। वो तो है ही ज्यादा, खुद मान लिया बात। नहीं, तेरा बोझ मुझसे ज्यादा है। उल्टी बोल दिया, चल तेरा बोझ मुझसे ज्यादा है। बोल दिया सच, बोल दिया इसने मुझसे अपने, बोल दिया सच। कोई नहीं, अपने आप को एक्सपोज कर दिया तुमने। नहीं नहीं नहीं, चल अब बाहर चलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ी भीड़ होगी। ये दोस्तों इनकी बेल्स है, यहाँ पे इन्होंने ये मेलोडी भी लिखी हुई है, मतलब अगर इन नंबर्स को आप खींचोगे तो एक मेलोडी सी बजेगी। सही है भाई, ये भी असली में हम बजा नहीं पाए, जो घंटा होता है वो नहीं है यहाँ पे, इसी से बजाना पड़ रहा सबको। और ये दोस्तों मैंने नई बाइक भी ली है, ली क्या मतलब फ्री में ही मिली है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम है कि आपके टैक्स में से, क्योंकि ई बाइक्स वगैरह इलेक्ट्रिक बाइक्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट कर रही है वो चीज़ें, तो हमारे टैक्स में से इसके पैसे कटते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स को फ्री में बाइक देती है, हिंदुस्तान में सिर्फ लड़कियों को फ्री में मिलती है। और ये बाइक दोस्तों बिना पैडलिंग के 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है, तो काफ़ी हैंडी है ये अगर आप सिटी में घूम रहे हैं, क्योंकि सिटी में गाड़ी की भी स्पीड मैक्सिमम 30-35 ही होती है, और साइकिल के लिए यहाँ पे अलग से लेन्स होती है। और अभी दोस्तों हम अपनी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, वो भी अपनी दुकान पे काम कर रही है। और आज दोस्तों सबसे हॉटेस्ट डे है आयरलैंड का, तो धूप पूरी निकली हुई है इसलिए आज भीड़ भी काफ़ी है मार्केट में। तो ये दोस्तों यहाँ पे काम कर रही है लड़की, मना कर रही है वैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। अच्छा बता दो, हम ले लें कुछ अपनी दुकान समझ लेना, लेकिन मेरा कार्ड मैंने किसी और के साथ यूज कराया था, तो मैं किसी एक को ही दे सकती हूँ कार्ड। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता के जा, मैं वो फिर अपने। फ्री नहीं है क्या हमारे लिए? फ्री मेरे लिए नहीं है। कितने बजे तक की शिफ्ट है तो बताओ। 7:30 7:30 कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 3:00 तीन से 7:30 की शिफ्ट होती है, मतलब यहाँ पे छोटी शिफ्ट होती है 4-5 घंटे की। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि वो काम कर रही है भाई हमारे, वैसे तो कुछ सुनना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, असद इनका नाम है, मुझे पहली बार यहीं पे मिले थे, अब कौन सी नेता कि वापस यहीं पे मिले हैं। और ये वैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मैं जानता नहीं था मतलब इन्हें, बट ये इन्होंने मुझे बताया कि मैं सब्सक्राइबर हूँ आपका और मुझे आपका कंटेंट बहुत पसंद है। और उस दिन इन्होंने मुझे कौन सी वाइन दी थी, कौन सी दी थी, ब्रांडी थी, ब्रांडी दी थी, मतलब एक बहुत महंगी आई थिंक 40-50 यूरो की वो थी, अल्कोहल दी थी, लिमिटेड एडिशन था वो। वेल बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट टाइम भी आप आए थे, मुझे बड़ा मज़ा आया आपको मिलके, मतलब आई एम काइंड ऑफ योर फैन। और फिर आप फिटनेस के हवाले से भी जो बातें करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने वो कंटेंट बनाया था वुमेन राइट्स के हवाले से और मैन राइट्स के हवाले से, पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप एक ऐसे नैरेटिव को लेके चल रहे हो कि जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैन राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा है और मर्दों को यहाँ पर भी वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। लाइक अगर आप अमेरिका वगैरह में देखो, वहाँ पर
डाइवोर्स के वक्त जिस तरह उनकी सिचुएशन बनती है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका वो कंटेंट देख के, आपने उसमें बड़ी अच्छी बात की। उसमें व्यूज़ नहीं आते वैसे, बट ऐसे व्यूज़ नहीं आते, दैट वाज वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसा सपोर्ट मिलता तो देखिए वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, वेरी नाइस मीटिंग, थैंक यू भाई। अभी दोस्तों मैं फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ और जो कैमरा वो इसने पीछे बैठ के पकड़ा हुआ है, धरनों की तरह ही पीछे बैठी हुई है। और अभी हम दोस्तों यहाँ पे एक माडा एक वॉक पे आए हैं। ये जो रास्ता है ये सिर्फ चलने के लिए है और साइकिलिंग के लिए है, और ये बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत ब्यूटीफुल एक वॉक है ये। और अभी दोस्तों मैं पीछे बैठ चुका हूँ, ये लड़की चला रही है, और आपको दिख रहा होगा भाई ब्रिज से अभी ये क्रॉस कर रहे हैं, बहुत मोस्टली लोग पैदल ही जा रहे हैं, ये ज़्यादा साइकिल पे आ रहा होगा। यहाँ पे पीछे बच्चे स्केटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, और आज दोस्तों वेदर क्योंकि बहुत अच्छा है तो इसलिए पूरा ये पार्क फुल है। पीछे आपको दलदल सी दिख रही होगी, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है और फोटो भी खींच रहा है, पिकनिक मना रहा है। काफ़ी लोग आए हैं वैसे यहाँ पर, धूप ले रहे हैं लोग, पिकनिक मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो धूप होती है ना वो एक तो इतनी चुभने वाली नहीं होती और इसके अलावा कम भी निकलती है, तो इसलिए लोग इंजॉय करते हैं धूप को। थोड़ी धूप सेक के मैं भी कुछ टाइम में घर की तरफ निकलूँगा, तो इसलिए दोस्तों इस व्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर। सो जाओ भाई, इतना मन कर रहे हैं।